भाई पीछे की तरफ इसमें वाइपर लग चुका है। तो महिंद्रा आजकल फोगलाइट लगा है, फोगलाइट बेजल वायरिंग कॉम्बिनेशन ऑन करके आपको 8000 पे फोगलाइट पड़ेगा भैया। अपना कंपनी का स्टॉक टायर पर 17 इंच चले लगा है और महिंद्रा आजकल कैप लगा है। तो महिंद्रा के लोगों के साथ भाई ने सीट कवर लगा दिया है, जेन्युइन महिंद्रा के पिलर हैंडल इस गाड़ी में डल गए हैं। तो जी राम राम सही भाइयों को, क्या हाल है भाइयों आप सबकी, उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे भाई। ऑटो टीम पे आज आई एम सचिन भाई के पास, क्या है भैया? ठीक है भैया। तो आज स्कॉर्पियो आ रखे भाई, बेस मॉडल जेट टू मॉडल, और इस गाड़ी में जो काम किया गया एक कम बजट में बढ़िया काम हुआ है ना। इस बार हम थोड़ा कम बजट में जो आप क्या काम करवा सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार, ठीक है? बढ़िया काम हुआ है इसमें, बाकी वीडियो एंड तक देखना है, वो डिटेल में बता दे क्या कुछ काम हुआ है ना। वही फ्रंट से फोग लाइट, हेडलाइट एलईडी ग्रिल क्रोम, 17 इंच अलॉय, अपना बात की जाए सीट कवर, रूफ रेल फुटरेस्ट, वही डमी वाइपर, यही सब जो अपना हुआ है वही लगाया भैया, ठीक है? बाकी एंड में बताऊंगा कितना कुछ बजट आया, तो वीडियो एंड तक देखना भाई। वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी भाई गाड़ी की तरफ मैं आ गया हूँ, सबसे पहले देख लो भाई ब्रांड न्यू गाड़ी है भाई, मेन बात है एमपीसी गाड़ी आई है। हाँ जी भैया, ये देख लो भाई एमपी, काफी दूर से गाड़ी आई है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, टेम्परेरी नंबर है। कितना कुछ बजट बना है इसका? एक 60-70 में, जिसमें अलॉय व्हील इंक्लूडेड है, ठीक है? बाकी एक बात बताया यार, अगर कोई स्कॉर्पियो लेके चल रहा है कम से कम कितने में तैयार कर देगा? बस इसी रेंज में तैयार करो, 60-70 में बढ़िया बढ़िया काम करा, बढ़िया। 18 इंच अगर अलॉय लगाना चाह रहा है कोई, 80 कर लो आप, 80 के आसपास। बाकी अगर इंटीरियर कस्टमाइज करवाना चाह रहे हो तो 2 के आसपास, ठीक है भाई? बाकी इस गाड़ी की तरफ अगर हम चले तो डिटेल में बता दे क्या कुछ हुआ है इसमें। बात करें तो महिंद्रा आजकल फोगलाइट लगा है, फोगलाइट बेजल वायरिंग कॉम्बिनेशन ऑन करके आपको 8000 पे फोगलाइट पड़ेगा भैया, ठीक है? जेन्युइन महिंद्रा की भाई, देखो भाई ऑन कर दिए, कोई वायर कटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कपलर टू कपलर। एक बार इसकी फोगलैम जला करके भी दिखा दे, वही मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लो भाई ये इस गाड़ी के फोगलैम जल चुके हैं, देख लो जेन्युइन महिंद्रा के हैं, ठीक है? बाकी आगे की तरफ इसमें पार्किंग बल्ब इसका वाइड कर दिया है। बाकी अगर कोई क्या भाई टॉप मॉडल वाली हेडलाइट वो भी मिल जाएगा, 24,000 के खर्च में आपको दोनों हेडलाइट मिल जाएगा, लेकिन इस पर हेडलाइट में एलईडी लगा है, हेडलाइट उतना यूजफुल नहीं होता, उतना थ्रो नहीं होता, सच्चा एलईडी लगाओ मजा आ जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी भाई, हेडलाइट में इसके बिल्कुल भी थ्रो नहीं है, बिल्कुल भी थ्रो नहीं। कस्टमर बोले थे उस वाली वीडियो में कि मेरे को हेडलाइट चाहिए चाहिए चाहिए, इसलिए हम लोग हेडलाइट लगाए थे। बाकी इसमें एलईडी लगाया है, वो आपको थ्रो दिखा एक बार, थ्रो दिखा भाई। कितने वाट की है इसमें? 180 वाट की भैया, 180 वाट की हाई बीम में और 180 वाट की लो बीम में। देख लो भाई थ्रो दिखाऊं, ये देख लो ऐसा बढ़िया वाला थ्रो है ना। इसकी वारंटी है कुछ? 2 साल की वारंटी भैया, 2 साल की इसमें वारंटी मिलने वाली है। बाकी फ्रंट की तरफ इसमें ग्रिल विल चेंज हुई कुछ? ग्रिल क्रोम लगा दिया, ठीक है? हाँ जी। बाकी कोई टॉप मॉडल वाली कह रहा पियानो ब्लैक, वो भी पियानो ब्लैक भी मिल जाएगी, पियानो ब्लैक आपको 3000 खर्च में मिलेगा और ग्रिल क्रोम आपको 3000 खर्च में मिलेगा। ये हम आपको हर वीडियो में भाई प्राइसिंग इसलिए बताते हैं कि वीडियो को देख के आप प्राइसिंग लेकर के आओ और सेम प्राइसिंग में काम कराओ। हाँ जी भैया बिल्कुल, जो आपको वीडियो में प्राइस बताएंगे वो सामने भी आपको प्राइस लगाएंगे भैया, ये नहीं कि वीडियो में कुछ और सामने कुछ और लगा, ठीक है? बाकी ये इसका 6000 रुपए का पड़ेगा पूरा, है ना भाई? 3000 का ग्रिल पियानो, 3000 का खर्च। बाकी फ्रंट की तरफ देख लो भाई, फ्रंट का अपना स्किड प्लेट भी सिल्वर किया है, जो टॉप मॉडल में आता है सिल्वर, उसी हाइड्रोलिक फिलर पेंट है। देख लो भाई फ्रंट से लुक भाई, मतलब कोई भी कमी पेशी रह गई हो तो बताना। फ्रंट से अपना कोई कमी पेशी नहीं है, बस एक हेडलाइट की है, तो हम लोग तो हेडलाइट तो बना ही कर देते हैं एक बार कस्टमर को, हेडलाइट जो कस्टमर बोलते हैं मेरे को लगवाना ही है तो उनको लगा ही देते हैं, उसको लगा ही देते हैं। बाकी ये कुछ इसका लुक निकल गया, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। साइड की तरफ मैं अगर ले चलूं, सबसे पहले साइड में 17 इंच के अलॉय व्हील डल गए हैं जेन्युइन महिंद्रा के, टायर चेंज इसमें नहीं हुआ है, नहीं भैया, इसमें अपना कंपनी का स्टॉक टायर पर 17 इंच अलॉय लगा है और महिंद्रा का कैप लगा है, ठीक है? अगर आप 17 इंच अलॉय लेते हो तो आपको 45,000 के खर्च में 17 इंच अलॉय आपको मिल जाएगा भैया, ठीक है? हाँ इसमें भाई टायर चेंज ही कराना पड़ता है, उसी टायर में लग जाता है। 18 इंच का क्या प्राइस है? वही आपको 54,000 रुपए का अलॉय है, जिस कंपनी का टायर लो, सीएफ लो, एमआरएफ लो, जेके लो, ब्रिजस्टोन लो, आपको अलग से खर्च देना पड़ेगा आपको, ठीक है? बाकी यही कुछ है, बाकी ये भी आप करवा सकते हो, साइड क्लैडिंग है ना ये पूरी पेंट करा सकते हो। बाकी देख लो एक स्कॉर्पियो क्लासिक उधर भी खड़ी है, वो भी उसमें भी काम अपना स्कॉर्पियो क्लासिक के मॉडल अपना, उसमें भी अपना पूरे काम हुए बेस्ट। अभी मैं वो भी आपको थोड़ा सा झलक दिखा दूंगा, बढ़िया काम हो गया इसमें। बाकी साइड मिरर आप चेंज करा सकते हो, इस गाड़ी में नहीं हुआ है, गाड़ी में चेंज में नहीं हुआ अपना, उसमें भैया को उतना नीड नहीं था इसलिए चेंज नहीं करवाया थे। कितना खर्चा आ जाएगा इसका? 12,000 का खर्च साइड मिरर दिया, जेन्युइन महिंद्रा का, ठीक है भाई? रूफ रेल डली है, रूफ रेल लगी अपना महिंद्रा, ठीक है? गाड़ी हिल जाएगी लेकिन रूफ रेल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है भाई? हां जी। साइड की तरफ यहां पे साइड बीडिंग विंडो गार्निश क्रोम लगा है अपना, ठीक है? ठीक है भाई। और अपना बात करें तो बॉडी कलर हैंडल पेंट हुआ है, ठीक है? देख कर सकते जैसा बॉडी कलर पेंट है वैसा हैंडल पेंट है, देख लो भाई। हाँ जी। और बात करें तो साइड क्लैडिंग पेंट हुआ है, ठीक है? और अपना फुटर्स लगा है, ठीक है? ये भाई ने बता दिया। बाकी मटरफ्लाई भी लगाए क्या? हाँ जी।
देख लो मड स्लैब तक लग गए हैं, ठीक है। बाकी साइड भी यही कुछ है, कैसी लग रही है भाई बताना एक बार कमेंट करके। तो पीछे की तरफ देख रहे हो भाई, सबसे पहले गाड़ी में रियर वाइपर डल चुका है। ये जेनुइन लगा है या डमी लगा है? ये जेनुइन महिंद्रा ही होता है लेकिन डमी लगा है, वर्किंग नहीं है। ठीक है भाई, पीछे की तरफ इसमें वाइपर लग चुका है, डमी लगा है। अगर आप चाह रहे हो इसमें जेनुइन लगना है तो वो भी लग जाएगा, वर्किंग भी लग जाएगा आपको। वर्किंग 7500 के खर्च में लगेगा और डमी आपको 1000 के खर्च में, ठीक है। दिखने में कोई फर्क नहीं है किसी का भी, ठीक है। स्पॉइलर लग चुका है इसमें, महिंद्रा ओरिजिनल लगा है तो गाड़ी जल्दी स्पॉइलर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। स्पॉइलर प्लस पेंट आपको 6500 के खर्च में स्पॉइलर मिल जाएगा, ठीक है भाई। बाकी पीछे की तरफ ये लग गया, पीछे की तरफ अपना बुलपंक D805 का कैमरा लगा है, देख लो मैं दिखा दूं जी अपना। ये रहा भाई बुलपंक का D805 कैमरा लगा है और अपना बंपर क्रोम लगा है, चेक कर सकते हैं, ठीक है। थ्री पीस में आते हैं, ठीक है। नीचे का भी स्किड प्लेट पेंट किया गया है, साथ में रियर गार्ड लगा दिया, देख लो भाई प्रॉपर। इसमें बाकी रिफ्लेक्टर का भी ऑप्शन है, वो भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन भैया बोले रिफ्लेक्टर का जरूरत नहीं, रिफ्लेक्टर नहीं लगाया, ठीक है भाई। बाकी देख लो बगल में खड़ी है स्कॉर्पियो क्लासिक, इसमें भी बढ़िया काम कर दिया, अपना बढ़िया काम। अपना बेस मॉडल है अपना महिंद्रा का, कोई भी गाड़ी स्कॉर्पियो हो स्कॉर्पियो क्लासिक हो और आपको 300-700 कोई भी काम हो कर सकते हैं, ठीक है। ये साइड वाला जिसका ये ब्लैक आता है क्या, मैट ब्लैक आता है पूरा, इसमें बॉडी कलर पेंट किया हूं, चेक कर सकते हैं, देख लो भाई। और देखिए पावर विंडो भी लगा दिया, पावर मॉडल में आपको डोर पैनल नहीं आता है, ये देखो टॉप मॉडल वाला इसलिए बन वाला पावर विंडो भी लगा, पावर विंडो लगा दिया प्लस डोर पैनल भी इसके टॉप मॉडल वाले कर दिए। अलॉय व्हील भी लगा दी क्या? अलॉय व्हील भी अपना 17 इंच लगा है, ठीक है भाई। ये देख लो भाई, ये भी भाई ने तैयार कर दिए, रूफ रेल लगा अपना, स्पॉइलर लगा, हैंडल पेंट हुआ, जानते हो पूरे बॉडी पूरे आगे पीछे चारों ओर पेंट हुआ है। और ये दोनों गाड़ियां एक ही भैया की गाड़ियां हैं, तो दोनों गाड़ियों को पूरा बेस्ट टू टॉप कर दिया इसमें। इस गाड़ी का खर्चा आया जो 170 के आसपास, और इस वाली का, इस गाड़ी का बात करें सारा खर्च लगभग 1.5 लाख के लमसम आया, ठीक है भाई। बाकी देख लो इस तरीके से कुछ लुक निकल के आया साइड से, कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। अलॉय व्हील के साथ पूरा टॉप मॉडल बन गई यार, पूरा हाँ जी बस पूरा है ना, बाकी जितना भी सामान इसमें लगा जेन्युइन लगा, जेन्युइन सामान हुआ है, कोई आफ्टर मार्केट नहीं है ना भाई। अब चलता हूँ अंदर की तरफ, अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ। बाकी भाई अंदर की तरफ चलूँ, सबसे पहले डोर पैनल देख लो भाई, इनर हैंडल इसके पेंट हो गए हैं, पेंट हुआ है, पेंटेड लगे इनर हैंडल और पेंटेड लगे ग्रैब हैंडल, बोले भैया स्विच प्लेट का नीड नहीं है, स्विच प्लेट नहीं लगा है, सॉफ्ट टच अपना करवाए, चेक कर सकते हो। ये देख लो भाई, ये इसका सॉफ्ट टच हो गया, ठीक है। ये इसका मतलब टॉप मॉडल में भी नहीं आता भाई, ऐसा तो आता है, आता है सब कुछ होता है भाई, इस क्वालिटी से नहीं आता, हाँ, इस क्वालिटी से और इस फिनिशिंग से आपको नहीं आता, बढ़िया हो गया, ठीक है भाई। बाकी अंदर की तरफ इसमें मिरर लगा सकते हो, उसका स्विच यहाँ मिल जाएगा आपको। नीचे की तरफ फ्लोरिंग इसमें हो गई, फ्लोरिंग हुई है अपना, 7D मैट लगे हैं, ठीक है। अपना सीट कवर क्वालिटी चेक कर सकते हो, अपना प्रॉपर कट फिटिंग है, आपको कोई रिंकल नहीं मिलेगा, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ लगे, देख लो महिंद्रा के लोगों के साथ भाई ने सीट कवर लगा दिया है, सिंगल रिंकल आपको देखने में नहीं मिलेगा भाई, जैसे टॉप मॉडल में आता है सेम वही सीट कवर है। बाकी ये देख लो एरीज के आर्मरेस्ट, देख लो मैं आपको अगर खोल के दिखाऊं, देख लो प्रॉपर फिनिशिंग है भाई, बढ़िया सॉफ्ट टच हो गया। बाकी अंदर की तरफ चलूं तो सबसे पहले देख लो भाई पिलर हैंडल, पिलर भी लग गया हुआ है, जेन्युइन महिंद्रा के पिलर हैंडल इस गाड़ी में डल गए हैं, जो कि भाई चढ़ने में बहुत आसानी होती है, ठीक है भाई। बाकी अंदर की तरफ मैं ले चलूं तो सबसे पहले इसमें स्टीयरिंग रैप हुआ है, हाँ जी, चांद डिजाइन का अपना स्टीयरिंग, देख लो भाई चांद डिजाइन में इस गाड़ी में स्टीयरिंग रैप हो गया। ये देख लो भाई फिनिशिंग चेक कर लो आप, कैसी लग रही है एक बार बताना कमेंट करके। इसमें ये नहीं लगा, ये नहीं लगवाया, अपने पास सब चीज उपलब्ध है, ये क्रूज कंट्रोल भी उपलब्ध है, लेकिन भैया नहीं बनाए लगवाए। इस बार हम लोग खास कस्टमर के लिए बनाए वीडियो, जो बोलते हैं कम बजट में काम, आप बढ़िया काम, हाँ बढ़िया काम, कम बजट में बढ़िया काम, 1.5 लाख लेके आओ, 1.6 लाख लेके आओ, बढ़िया काम करो, 1.5 लाख में आप स्कॉर्पियो एंड बेस्ट टॉप करवा लो, ऐसा कह सकते हैं, हाँ जी जरूर, ठीक है भाई। बाकी ये भी लगवा सकते हैं, ये शोल्डर भी लगा सकते हैं अपना, ये पियानो ब्लैक करवा सकते हैं, टॉप मॉडल सिस्टम लगा सकते हैं, कंसोल पियानो ब्लैक लगा सकते हैं, ठीक है, डैशबोर्ड सॉफ्ट टच करवा सकते हैं, आप तो हर एक वीडियो में देख ही चुके हैं हम लोग का, है ना। बाकी यहाँ पे आप वो लगा सकते हो 12 वोल्ट का चार्जिंग बोर्ड, पियानो ब्लैक करा सकते हो, हाँ जी, यहाँ पे आप वो करा सकते हो, क्या कहते हैं, टॉप मॉडल में सिल्वर आते हैं, सिल्वर करवा सकते हैं, हाँ जी, मीटर फ्रेम लगा सकते हो, काफी सारी चीजें हैं, काम है, हाँ। लेकिन इस बार मैं सोचता हूँ कुछ कम लो बजट में बढ़िया काम जो होता है वो मैं दिखाऊँ कुछ कस्टमर को, क्योंकि हर एक बार बोलते हैं बहुत हाई बजट का काम दिखाते हैं, इसलिए इस बार, ठीक है भाई। तो कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके। बाकी सनरूफ भी भाई लगा देगा, नहीं जरूर लगा दूंगा भैया, डिमांड आया तो आप, ठीक है भाई। तो कैसी लग रही कमेंट करके बताना, जितना भी काम किया गया भाई ऑटो ड्रीम पे किया गया है, हाँ जी, बढ़िया करके भाई काम कर देगा, हाँ जी। डिस्क्रिप्शन में लोकेशन दे दूंगा, कॉल करके ना, डिस्काउंट का क्या कुछ हिसाब है भैया, बेस्ट टू टॉप करवाओ, तो आपको पता ही फुल डिस्काउंट रेट है, प्लस मैं आपको मैं एक्स्ट्रा दूंगा 5000 रुपए डिस्काउंट, तो सार भाई का चैनल जो सब्सक्राइब करके आएगा उसको, पक्की बात है, ठीक है। बाकी आना चाहते हो आना भाई, बढ़िया डिस्काउंट दे देगा, इतना है कि भाई मार्केट से बढ़िया रेट और बढ़िया काम, देखो रेट भी वो नहीं और काम भी वो नहीं, रेट भी एक नंबर और काम में काम का तो क्वालिटी आप निश्चिंत रहो, है ना भाई। मतलब आप पहले मार्केट से रेट ट्राई करो, फिर भाई के पास आओ, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या क्वालिटी है, काम का क्या रेंज है,
ठीक है भाई। हाँ जी, कैसा लगा लाइक करके जरूर जाना भाई। बाकी एड्रेस बता दे यार अपना, दिल्ली करोल बाग है, अब्दुल अजीज रोड, ऑटो ड्रीम कार एक्सेसरीज, ठीक है। हाँ जी, बाकी आप आइए, जेन्युइन सामान मिलेगा, जेन्युइन रेट में मिलेगा, बेस्ट है अपना, ठीक है भाई। आना, कैसा लग रहा है बताना भाई। बाकी अंदर और कुछ क्या हो सकता है? अंदर भाई इंटीरियर कस्टमाइज हो सकता है, बस यही सब हो सकता है, और क्या और कुछ। तो भाई ये है कि भाई अपने हिसाब से आप इंटीरियर कस्टमाइज करा सकते हो, जैसे मैंगो कलर हो गया, जो मैंगो कलर है, इससे पहले ब्लैक दिखाया हूं, उससे पहले व्हाइट है ना, वैसा आपको कर सकते हो, वैसा करवा सकते हो। तो बाकी भाई स्कॉर्पियो क्लासिक की तरफ मैं आ गया हूँ, देख लो भाई, इस गाड़ी को भी बेस मॉडल है, इस गाड़ी को भी भाई पूरा टॉप मॉडल बना दिया। क्या कुछ करा है इसमें? 17 इंच लगाया हूँ, पूरा बॉडी कलर पेंट हुआ है, जो देखते हो मैट ब्लैक आता है, पूरा बॉडी कलर पेंट हुआ है, देख लो भाई, ये पूरा मैट ब्लैक आता है, ये पूरा बॉडी कलर हुआ है, तो साइड से आपको देखने में लगेगा नहीं भाई ये बेस मॉडल है या टॉप मॉडल है। फ्रंट से भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख लो भाई, टॉप मॉडल का ग्रिल लगा, फ्रंट में भी चेक कर सकते भैया, देख लो भाई फ्रंट से अगर मैं दिखाऊं तो ग्रिल भाई इसमें लग गई है टॉप मॉडल वाली, ठीक है। तो भाई ने साइड से पूरा बॉडी कलर पेंट हुआ, स्किड प्लेट फिगर हुआ, नीचे का ये पियानो ब्लैक हुआ भैया, ठीक है। तो पूरी भाई ने मतलब ऐसी बना दी कि मजा आ गया भाई। अच्छा जेन्युइन जेन्युइन महिंद्रा, ठीक है भाई। बाकी अंदर की तरफ क्या कुछ हुआ इसमें? देख लो भाई, ये चेक कर सकते हो, पूरा वर्किंग के साथ है। अंदर की तरफ देख लो भाई, इसमें पावर विंडो गाड़ी में डल चुका है। हाँ जी, प्लस ये जो है ना, ये डोर पैनल, ये टॉप मॉडल वाला डल चुका है, तो सारा वर्किंग है ऐसे। उधर वाला देख लो, ये देखो ये वर्किंग है, उधर वाला भी, उधर वाला प्रॉपर काम कर रहा है, मैं दिखाऊं सारा काम कर रहा है, ये देखो प्रॉपर काम कर रहा है ऐसे। इधर वाला देख लो भाई, ये देखो प्रॉपर काम कर रहा है। तो इसका कितना कुछ खर्चा आ जाएगा? पूरा बेस्ट टू टॉप कराओ, 22 सेल में पावर विंडो लेके जाओ, बेस टू टॉप 22 आ रहे हैं, पावर विंडो जेन्युइन महिंद्रा की, और ये डोर पैनल, वो पूरा डोर पैनल भी, डोर पैनल भी, ठीक हाँ। है भाई, तो इसमें कितना कुछ खर्चा है? इसमें खर्चा अपना मानिए अपना 120 का लगभग खर्चा है इसका, 120 का, हाँ, जिसमें रूफ रेल भी लग गई है, अपना महिंद्रा बात की जा रही है, वाइजर है अपना, फुट रेस्ट है, एलॉय है, सीट कवर अंदर देख रहे हैं। अच्छा, ये सीट कवर भी लगे हैं इसमें? हाँ जी, इंद्रायत लगा हुआ है, चेक कर सकते हो, स्पीकर लगा आगे, तो इसमें पीछे लगा हुआ है स्पीकर, सीट कवर भी देख लो भाई। हाँ जी भैया, तो मतलब इसमें मतलब डीसेंट भाई, इस गाड़ी में ज्यादा काम नहीं होता, जितना स्कॉर्पियो एन में होता है उतना काम नहीं होता, पर डिसेंट काम होता है इसमें, ठीक है भाई। तो जी भाई कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना भाई, बढ़िया काम हो गया, 60-70 में इस गाड़ी का सारा काम किया है। हाँ हाँ, है ना भाई। हाँ, बाकी लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बढ़िया मेरा नाम लिख के डिस्काउंट देना पड़ेगा भाई, पक्की बात है ना, बिल्कुल दूंगा भैया, ठीक है भाई। बाकी कैसी लगी भाई स्कॉर्पियो एन और क्लासिक, दोनों ही भाई ने मॉडिफाई कर दी, बढ़िया बढ़िया, कोई कह नहीं सकता, दोनों गाड़ी भैया एक ही कस्टमर का, दोनों गाड़ी एक साथ ही ले गए और एक साथ ही मॉडिफाई करवा के जाना है, ठीक है भाई। तो कैसा लग रहा है लाइक शेयर कमेंट करके जाना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।